आइडिया चावल मांग दियो कभी जगह आका लाने वाली बात हो जा रहा है मामला खराब हो जाएगा ना तो बस तो पर रावण ने भी अब तो बस तो रावण ताजा मोटा हो रहा भाई अरे क्यों भी क्या है अब तो मजा ही आ गया भाई रविदास साहब का हमारे खेत में बढ़ बच्ची है कोई और रणवीर तो कहती हो हमारे खेत में बढ़ गया बीच में फाड़ दू रणवीर अपनी औकात में रह तने के सोच के हमारे खेत में मजदूर बढ़े वो जमीन मेरी है मैं उसमें मजदूर बढ़ू या खुद बढ़ू इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है छाती का दूध तो मैं बताऊंगा आज कितना याद आवे मेरे बस बताएगा तो सुनिया हूं पता नहीं क्या बात होगी एकदम जाना पड़ गया इन्हें मालिक मुझे माफ मालिक मुझे माफ कर आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक माफ कर पैर पर माफ कर दूं तुझे माफ कर दूं जब तेरे खेत मेरे पास गिरवी रखे हैं तो तेरा बेटा उसमें टांग क्यों फंसाता है के
और तू कहता है मुझे माफ कर दो। तब कहां गई थी तेरे बेटे की अकल? आज तू कहता है माफ कर दो? जरूरत क्या है उसे मेरे काम में टांग बनाने की? मुझे बता दे तू। बच्चों की गलती हो गई। बच्चे की गलती हो गई? बच्चे गलती करे फिर बाप आकर माफी मांगे? माँ मुझे माफ कर दो। माफ कर दूँ? तू मेरा वफादार है, इसीलिए मैंने तेरे बेटे की जान बख्शी। नहीं तो आज वो शमशान में होता, शमशान में। मालिक मेरे बेटे की गलती एक बार माफ कर दो, मैं उसे समझा दूंगा, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। जा जा चला जा और समझा जा अपने बेटे को कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। ठीक है मालिक। जा। ठीक है मालिक। खड़ा हो यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा तू मारी जब जांच खराब करवा रखी। अब क्या कर दिया मैंने? उस जमींदार की गाल क्यों ना दिखाया? उसके नौकर खेत वाले क्यों भगा दिए? जमीन मारी है, जमीन चाहिए है, जमीन मारी है। मारे खेत में थोड़ा कोई भी पड़ेगा मारूंगा। पिताजी ने समझा दियो, अगर मारे खेत में कोई पड़ेगा छाड़ो, बीच में तो फाड़ दूंगा। गुलामी तुमने कर रखी है, मैंने लगा किसी की ना? गुलामी तो हमने कर रखी, हमारे खेत उसके हैं गिर भी थे। जब तक उसका कर्जा नहीं जानेगा जब तक उसी के रहेंगे खेत, और जब हम कर्जा दे देंगे नहीं, जब हमारे खेत खेत मारे मारे रहेंगे। अगर हमारे खेत में कोई बड़ा ना सारो बीच में बांट दूंगा, वो सारे का खेत में पड़ के देखियो, ना सारो के पैर काट दूं। क्यों तू भाई देखिए लकीर बना गया। धान में कटवा में कौन गया? और चिकना कौन से में डालूं? दूसरे में। अरे ऐसा ना भी डाल दे। अच्छा आउट हो जाएगी की गुलामी करने में पता नहीं कौन सा मजा आ गया उन्हें। यार मुझे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त ना आए, बस काम काम मुझे कहते रहे। तुम एक काम करो, वहां सड़क जमींदार का नाम बैठा दे। हां भाई तुम रोल कर रहे हो, तो मेरे पैर का है। अरे आ तो नहीं, तू चिटिंग है, पर पैर आ गया उसमें। हां जमींदार को नुकसान पहुंचे ले सारे। ओ चल वहां मजा आओ, चल तू रहने दे, तू घर चली जा, तेरी मां लड़ती रहे। Thank you.
जमींदार के खेत में ट्रावांगे पर आओ जल्दी चलो 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 चुप और बढ़िया था तो चुप चुप ना अरे पागल है सारी में सारी तोड़ तो तोड़ दे तोड़ दे अरे अरे तू इसमें आग लगाना सारी में ओ बैठ जा ले अरे अरे क्यों मारे ना कर रे भाई ओ साले ने सारा कुल रणवीर काट दिया रे रे मार अरे के चाह रहा तू चोर है डकैत है क्या है तू तो हमें जीन देगा कि नहीं इस ग्राम में क्या हमें मरवा के छोड़ देगा अरे मामन ने अब क्या कर दिया था क्या कर दिया अरे उस जमींदार की रिक्त तोड़िया सारी जुआर तोड़िया उसका उलाना आया तुम एहसान मानो मेरे हाथ में माचिस नहीं ये तो तोड़ने की जगह सारी में आग लगा था तुम्हें अरे कद को सुधरेगा तू मारेगा इन्हें जीते जी क्यों गाली खान लग रहा है इन पे दुनिया से तेरा बिल्कुल शर्म ना आती इनकी उम्र का लिहाज तो कर ले कम से कम अरे मैं क्यों मरवाता मरने के काम तो उन्होंने कर रखे उस लाट साहब के चक्कर में जमीन गिरवी धर रखी है भाई मारी तो जान आपको तो मैं आ रही बेटा पर तेरी समझ में ना आ रही अब मेरी काय समझ में आओगी मेरी बीज बोओगे तुम काटूंगा तुम्हें बहुत बढ़िया इतना बड़ा हो गया तू अलगा बीज हम बोवेंगे और काटेगा तू अरे सन मान उस जमींदार का जिसने बखत पे हमें पैसा दिया वो अगर पैसा न देता तो वो कैसा पड़ता पिताजी ब्याज देते हैं हम उन्हें उन्हें हमारे खेत पर कब्जा और कर रखा और तुम कह रहे हो नुकसान की बात है अरे तेरे नुकसान के चक्कर में तो उसने एक रुपया और बढ़ा दिया और जब ब्याज हम देते टाइम पे तो रुपया क्यों बढ़ाता जैसे जैसे तुम कह रहे हो ना ऐसे तो कर लू मैं उससे कह दियो अगर वो हमारे खेत जोड़ को खाया ना तो ऐसा नहीं होने देना का मैं कह दिया पिताजी सर जवान लंबा है कल को कुछ कर लिया तो हम तो किंगे के बिना रहने के मैं भी तो सारा टूटता पड़ा मेरी तो जिंदगी देख इस हाल हो गई उसी के चक्कर में तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई और मैं कह क्या चाह रहा था मैं तो नहीं तक मैं कुछ कर ले अरे यार तू तो आज तू बैठा भाई डाल है ना मैं भी बहुत देर से देख रही भाई दिल में क्या है तेरे जो तू उदास की छाई तेरे मुंह पे अरे दिल में क्या होता है यार घर में बस हर चीज से परेशान है के बात है भाई पूरा घर कर्ज बंद हो रहा है मैं सोच रहा हूँ थोड़ा करूँ तो करूँ क्या यार एक आइडिया सुन लो डाला बताइए आई जा वैसे टूट पटांग ना बताइए तेरे दिमाग का कुछ पता नहीं ना टूट पटांग बता दे हम तो जा कुछ लूट कर ले हे लूट कर ले ए चकलक से तेरे ऐसी काम रहे वे ऐसी बात बताओ भाई ना रुक 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 इसकी बात में दम है आशु का कर्जा तारने के लिए लूटपाट ठीक है पर एक बात बताओ लूटपाट करेंगे हम एक बार पर बाइक वाइक नहीं लूटेंगे बड़ा हाथ मारेंगे बड़ा हाथ अरे कुछ कह भी नहीं हो तुम लूट करूंगा मैं भाई तेरा कर्जा तारना देखा यूं तो करना पड़ेगा देख सीधी सी बात है ऐ मोटी बुद्धि के कर्जा तारना तो बड़ी लूट करनी पड़ेगी तू भी ऐसे ही काम करवाओगी क्या मेरे पे सही तो कह रही हूँ अरे बड़ी लूट करेंगे तभी तो कर्जा तार पाओगे हम भी तेरा हाँ भाई अगर बड़ी लूट करेगा तभी कर्जा उतर सके तेरा नहीं कोई मतलब नहीं उतरने का
अरे बड़ी लूट करने की नहीं है, लूटोगे किसे? अरे बड़ी लूट करनी तो कार लूटो कार। सही कह रही तू। चलो तो मैं थारी गया लू, करो जो करना है। चलो 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 चलो। अरे मुझे भी ले लो। यहाँ तो मुझे लगे हो वाली दिखे लू। अरे तू देख कोई यार आगे देख का कोई अलग जाए। भाई सबर का फल मीठा है, मैं देखता हूँ। देख मीठा है, जल्दी जा। अबे ये शक्ति में मैडम क्या बात है? अजी लिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ मैडम जी, हमें इस बात का इंतजार था। बैठो। अरे पहले इसका चश्मा उतारो। हाँ भाई पता क्या ले रहा हूँ? अरे फसले पे घने जोर के मारूंगा। पंचू अब जगह। अरे मार क्यों रहा तो उससे बात कर पहले। हम बहुत बड़े बदमाश है, तो जगह पता 20 साल तक पुलिस भी ढूंढ रही है। बहुत गरीब आदमी हूँ, आजमाल की गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है। मैं वैसे कर्ज में हूँ, वैसे कर्जा हो जाए मेरे पास। अरे लूट लो ना, क्या देख रहे हैं मुकु? अरे भैया गलती होगी। अरे भाई मारू चाहिए।
अपने पिताजी के बारे में कुछ तो सोच बेटा, व्याह तो पढ़ना चाह रहा, कम से कम तू तो घर में है, तू तो सोच कर देगी थोड़े बहुत की। भाई देख मारी इज्जत रख ले, मारी मट्टी पलित ना करवावे पूरे गांव में, मारी रोज बेइज्जती करे जमींदार कर्जे के पीछे, कम से कम अपने बाप की इज्जत का लिहाज कर बेटा। अरे ठीक है, कह दिया जमींदार ने, कर लो क्या कर लो। किसने कहा था तुझे खेत में मुर्गी तोड़ने के लिए? तुझे रणवीर जी उर्फ संजू का जरा सा भी कोप नहीं आया है? ऊपर को लगा। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। इसे माफ कर दो, इससे गलती होगी, गलती होगी, इसे माफ कर दो। मार उसके, मार उसके साले, मर्द हो रहे हैं। एक बालक हाथ उठा रहे हैं, अरे खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो, मारो उसको। ओ रणवीर, तो मैं अपनी बाप की वजह से तेरे यहां नौकरी कर रहा हूं, ऐसी नौकरी मैं जूते पर रखी है? चलो जाओ, इसको तेरी ही जूते के नीचे पीस के चटनी बना देता है भी। बाप करते इसके हमारा नौकरी और हमें कल का छोकरा बाप बना के चला गया। मालिक आपने मुझे बुलवाया? हाँ बुलवाया। क्या काम? हमारा जूता गंदा हो गया, जरा इसको साफ करो। इसके मालिक अच्छे से साफ करो जरा। लो मालिक साफ हो, दूसरा भी करो। साफ हुआ? ये साफ हुआ क्या? थोड़ा अच्छे से साफ करो उसको। अच्छा मालिक, अच्छा मालिक। डॉक्टर मेरे बेटे से गलती हो गई। गलती हो गई नहीं, वो गलती बार बार करता है। बच्चा समझ के छोड़ दो, मेरे घर में आकर और जो मेरे साथ वो हरकत करके गया उसे बच्चा समझ के छोड़ दो। उसके जमा में भागता हूँ, उसके जमा में भागता हूँ। उसकी क्षमा कब तक मांगेगा तुम उससे? कब तक, कब तक उसकी क्षमा मांगेगा तुम उससे? मैं चाहता हूँ कि तू खाए पिए, तेरा घर बना रहे, लेकिन तेरी औलाद नहीं चाहती कि तू दो वक्त की रोटी चैन से खा सके।
समझा देना अपने बेटे को जाकर।
सहरी तुमसे शादी कर ले। ठीक है कर लेंगे। नहीं प्रिया मैं तेरे से प्यार करूं। प्यार तो मैं तेरे से करूं। तू कितना कर रहा है? कितना कर रहा है? उतना प्यार करूं जितना कुत्ता कुत्ते से कर रहा है। उसके पीछे खेतों में डाला है। और तू कितना प्यार कर रहा है मेरे से? अरे यूं भी कुछ प्यार है के खेतों में धक्के खाते भी रहे। मैं तेरे से इतना प्यार करूं दिल्ली तक जयपुर तक का बम्बई तक और कश्मीर तक लेकर कन्याकुमारी तक प्यार की नदिया ही बहा दूंगा। इतना प्यार बैठ जाओ सजन तुम्हे मैं धक्के खवाऊंगा इसे काली करवा दे तुम्हे मैं इसे क्योंकि प्यार हो। अरे मैं के काला बसंत नहीं हूं मां जी मैं प्यार करूं मेरी साथ भी तो काला बसंत होगी है नहीं? हाँ कुछ तो सोनी है यू कुछ और सोनी करवा दे इसे भट्टे पे ले जा कोला दुकान लगी इसमें हो जाएगी सोनी। अरे सोनी हो या ना हो अरे जी मेरे तो प्यार कर तो मैं कहीं नहीं जाऊँ तेरे पे कौन सा हाथी घोड़े सुटा जा पूछे पूछे इससे किससे प्यार कर रहा है तेरे मेरे से बता दे बता 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 दे दाढ़ी बता दे बस दाढ़ी बता दे जल्दी बता दे बता। अरे बतावे की तो जीवी देवी तेरे प्यार करती होगी। अरे नू थोड़ा ये बताओगी नहीं प्यार नहीं करती मेरे से। चुप रुको मैं अभी सोच के बताती हूँ एक बीड़ी पी लूं। मुझे भी तो दे घूट। अरे तू बताओगी मैं भी तो बीड़ी पी के सुनूंगा। चल अपने सिर काले इसे परे को छोड़ ले धुम्मे को काला करेगी उसे है काले को मुझे सुनना एक बता बताऊं बताऊं बताऊं। अरे बताना मुझे भी। अरे कुछ बताओगी भी जा भी पहले भैंस को घूम भरेंगे तो जब बताऊंगी। एक बात बताओ प्यार तो मेरे से करे। अरे तेरे से प्यार ना करती हो मेरा दिल तोड़ के चली गई ना बुंदी थूत के तेरे से प्यार कर रहा हूँ। अरे यार बुंदी थूत तो ही तो बड़ा प्यार करा बड़ी प्यारी लगे समझ गया। ओए मूड खराब ना करिए मेरा भी मूड खराब ना करिए क्या यार पता नहीं अबकी बार फसल को क्या हुआ नींबू भी छोटे छोटे हो रहे पेड़ों पे पता नहीं पोलिया मार गया क्या उनको या कोई बीमारी लग गई पता नहीं कोई जिसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता है। जी 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 बताइए कैसे आना हुआ। मैं एक बात कहनी चाह रहा था चौधरी साहब। हाँ हाँ कहो। ये जो आपके यहाँ नींबू की फसल होती है मैंने देखा ये आपके यहाँ बहुत कम पैदावार और बहुत कमजोर फसल हो रही है। हाँ यार पता नहीं अब की बार तो फसल में क्या हुआ हमारी। चौधरी साहब मैं शहर से बिजनेस की पढ़ाई पढ़ के आया हूँ और मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिससे आप रातों रात बहुत अमीर बन सकते हो और बहुत पैसा कमा सकते हो। अच्छा जी ऐसा क्या उपाय है? अरे राम सिंह अरे कुर्सी लाना जरा। तो तुमने पढ़ाई वढ़ाई की है क्या वहाँ पे? जी जी चौधरी साहब खेती के बारे में जानते हो कुछ? जी बैठो। देखिए चौधरी साहब आज के टाइम में खेती में कोई पैसा नहीं है पैसा है बिजनेस में। बिजनेस में ऐसा क्या बिजनेस है? बिजनेस है दाल के ठेके।
बीड़ी सिगरेट के कारखाने, जुए का अड्डा। आज के टाइम में दारू लोग बात इतनी पी रहे हैं कि धड़ाधड़ पैसा आता है, जुए के अड्डों पे कमा के पैसा आता है। तो ऐसे बिजनेस करो, स्कूल कॉलेजों में अपनी तरह जान जाएगी की सप्लाई करो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिजनेस को चलाएगा कौन? तरीका मैं बताता हूँ ना आपको, मेरे पे करते हैं। तो मतलब तुम हमारे बिजनेस में आधे के हिस्सेदार बनोगे? पैसा आपका, दिमाग मेरा। पक्का? पक्का। ठीक है, जितना पैसा इस बिजनेस में लगेगा मैं लगाऊंगा, और इस बिजनेस में जितना दिमाग होगा वो तू लगाना। जी, डील डन। डन डन डन। अच्छा तो साहब करता हूँ, तैयारी करो। अब आएगा और भी मजा। सुना था कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, लेकिन आज ऊँट खुद मेरे नीचे दबने के लिए आ रहा है। बहुत मजा आएगा इसके लिए। उधर सारी जमीन इसके बाप की मेरे पास गिरवी रखी है, और इसे अपना घोड़ा बनाकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। हथौड़ा देख लेता वासु, तुझे तो पता ही है तेरा भाई कैसा। उससे तो तू कुछ उम्मीद करिए ना, कुछ कमावे या कुछ काम करेगा। इतना तेरी पढ़ाई लिखाई में जितना पैसा हमने लगाया वो मारे जी को, किसी स्थिति में पैसा कहां से कहां आ। ठीक है, मारी जमीन सारी गिरवी रखी बैठे, बाकी इस उम्र में अगर तब मेरे लिहाज रखना चाहो तो कुछ करके दिखा दे मेरे लाल। मेरी उम्र का ख्याल हाथ की जोड़े था मेरा क्या, हाथ ना जोड़ू तो और क्या करूं। तब मैं लिखा दिए, पढ़ा दिए, इस काबिल कर दिए, पर मेरे पर कर्जा कितना है तुम्हें पता? सुनो पिताजी, दुनिया पढ़ावे अपने बालकों को, तुमने पढ़ाया कोई अनोखा काम नहीं करा। अरे दुनिया पढ़ावे अपने बालकों को तो, पर आज तो अपनी औलाद से हो। हाँ होती होगी, मेरे बस का नहीं है खर्चा वर्चा देना। हाँ इतना कर सको, उसके ब्याह में जितना लगता होगा उसमें सारे लगा दूंगा, बाकी और खर्चे वर्चे को मेरा कुछ करना पड़ेगा। खर्चा नहीं लगता तुमने, समझाओ। रही बात थारी, वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो थारा इंतजाम मैं अपने आप कर लूंगा। इंतजाम? अरे बेटा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तेरे से, एक तो मुझे ऐसा निकला दिखलाई है, और तेरे से तो मुझे पूरी उम्मीद थी बेटा कि तू ही मुझे जो है यार दुख सुख से दूर करे। मैं तो अपने कर्जे की उम्मीद तेरे से रह रहा, मेरा लाल के तू ही मेरा सब कुछ दुख दूर करे। किस किस का दुख दूर करूंगा मैं, अपने तो पूरे पटने रहे। अरे आंसू मुझे दिखाया ना करो, और आज तो कहती आगे मिला के पैसों का जिक्र मत कर दियो। अरे जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखा रही है तू, जिसका उम्मीद कर रहा था वो भी धोखा दे गई। पढ़ाई लिखाई में खुद बर्बाद हो गया, सारी जमीन जायदाद गिरवी रख दी, इससे पूत के ऊपर आज वो भी मुझे कोरे कल्लर में खड़ा कर। क्या हो रहा, क्यों दुखी हो रहे?
भूखे रहूं तो और क्या करूं मैं अपने जीव जुआतों को रोना। मेरी जिंदगी क्या था क्या बन गई और तो फिर भी यही कह रही कि क्यों रो रहे हो। जो मैं पता होता क्या हमारी औलाद ऐसी निकलेगी तो भगवान ऐसी आपके अपने माँ बाप को दुखी करती हो। तो दिल दुखी ना कर जैसा भगवान ने मारे बारे में लिखा वैसा ही होगा। पैसा ना आया भी घर से उठवा लूंगा उसे, ठीक है? और ज्यादा बात मत किया कर मेरे से। अमिताभ साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बैठो। अरे अरे वहां क्यों बैठ रहे हो, कुर्सी में बैठो और सुनाओ कैसे हो। कृपया आप, हमें काम था आपसे। हाँ जी बताओ। तुम्हारे घर पे बहुत ही नाजुक और अच्छी चीज है जो मुझे चाहिए। अरे जमींदार साहब, सारा घर तुम्हारा, जो भी वस्तु चाहिए वही उठा लो। वो तो बात आपकी ठीक है, मुझे सारा घर नहीं चाहिए। मालिक और बताओ मेरे लाभ क्या सेवा है। अरे सेवा की बात नहीं है, दरअसल बात यह है मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे ब्याह रचाना चाहता हूँ। जमींदार साहब, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में जा रही है। एक बाप की खुशी इससे बड़ी और क्या हो सकती है। अरे वो तो बात आपकी ठीक है, तो मैं फिर इस रिश्ते को पक्का समझूँ। क्यों नहीं जमींदार साहब। तो ठीक है, मैं अगले महीने की 1 तारीख को तुम्हारे घर पर शगुन पहुँच रहा हूँ। अपनी बेटी से कह देना कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। ठीक है जमींदार साहब। और सुनो, शादी ठाट से होनी चाहिए। जितना खर्चा होगा सब रणवीर सिंह ठाकुर करेगा। गांव में लगना चाहिए कि हाँ किसी बहुत बड़े जमींदार की बेटी की शादी हो रही है। जाओ। अब आएगा पहाड़ के नीचे, सांप भी मरेगा और लाश भी मरेगी। पूजा की माँ, पूजा की माँ,
बहुत खुशी का दिन है, आज मैंने पूजा का रिश्ता तय कर दिया। कहाँ पे रिश्ता कर दिया? अपनी लाड़ी का। अरे वो है ना अपने जमींदार, जमींदार के यहाँ कर दिया अपनी लाड़ी का रिश्ता। पापा यू क्या कह रहे हैं तुम? मैं ना करने क्यों जमींदार से ब्याह? किसी झोपड़पट्टी वाले से ब्याह दियो मुझे। अरे माँ समझा ना। समझा कर रही लाड़ी, बता रही हूँ मैं तो उसकी क्या ब्याह कर लिया तो देख लिया अच्छा ना होने का। अरे उसका बढ़िया मिल जाएगा, मैं कोई तू बता, एक बात बता रहा हूँ मैं, जुबान दिया और जो मन ने जुबान दे रही पत्थर की लकीर है और समझा दिया उसे, उसके अंदर प्यार बांट दो मैं। मैंने करने की बता रही कुछ भी करना चाहे। जवान बेटी बता क्या करूँ, मेरा हो गया मरना तो तेरा काम, उसको समझाओ जब मर गए उसको समझाओ जब मर गए। तेरे क्या हुआ, तू कैसे मुंह फुलाओ बैठी है? जा जा, तुझे पता है थारा क्या हुआ? अरे मुझे कुछ बताओ जब तो पता लगेगा थारा क्या हुआ। मेरे बापू ने मेरा ब्याह तय कर दिया। हां ब्याह तो गुड्डे गुड़िया खेल मान रही है, बापू ने तय कर दिया। तू एक काम कर जा इससे, तुझे तो मजाक ही लगा है सारी बात। मजाक की कौन सी बात है इसमें? अरे मैं चला तो जाऊं पर मुझे यूं तो बता दे किसी का रचा यात्रा क्या? वो संजू ना है। अरे कौन सा संजू? अरे वो गांव का जमींदार। अच्छा डरावने से मुंह का? डरावने से मुंह का बता रहा, जब लेके चला जाएगा ना तो हाथ मलता रह जाइए, मारना सारे की थूथड़ी पे, वैसे ले जाएगा ब्याह के। पर तू बता तू तैयार है मेरे से ब्याह करने को? मैं तो कब से यही चाह रही हूं। चाह रही तो कर ले, मैं मना कर रहा हूं। मेरा बापू, अरे बापू के मार ससुर के गुड़, तू तो यार होनी चाहिए बस मुझे, तो यार है तू। अरे तू एक बात बता, आज कह के आया कि नहीं तू से? अरे यार कह के तो आया मैं उसे, पता ना अभी ना आवे कूड़ा घेरने जा रही हूँ। कूड़ा घेर का फिर नुका की गोबर घेरू फिर बासन मान दू। पर एक बात है बा, जब अभी आज पता करते रहेंगे वह ब्याह मेरे का करेगी या फिर तक करेगी? या तो मेरे से करेगी। अरे तू सिकल में ना सूरत में नाक देख ले, तेरी आधी कठरी आधी ठीक है, ब्याह मेरे तक करेगी। ओ मुंडे छोटड़े के कले के रोड़ी के ऐसे तो गोबर सूर के तू मेरे से क्या करेगी? अरे चल मेरे तो ब्याह करेगी वा, मेरे होट है ना भगवान ने बहुत फुर्सत तो बनाया यार, तेरे देख के किसी ने नाक कोई काट दी छो में समझ गया। चल तू छोड़ी से तू पता सोचने का काम तो बाथरूम का ना ना सोचे है गंदी मैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। बता दे शादी शादी, अरे एक तो बात बताओ तुम भैया से कितने शादी का रख रहे हैं? ओह नो दिमाग ही चल जैसी मुंगी तेरे देख लूंगी मैं। तू एक काम कर,
बाबू क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुझे? अरे मुझे बता एक बार, सारा का बीच नाश कर दूंगा। ये बता दे एक बार तू, अगर तेरी आंखों में आंसू आए ना तो खून की नदियां बहा दूंगा पूरे गांव में। ये बता, बता मुझे किसी ने कुछ कहा तुझे? अरे कौन लड़का है वो मुझे बता, साले को चूल्हे से ही उठवा दूं यहीं से की। बता मुझे कौन है वो? उसका नाम आशु है भैया। आशु कहाँ रहता है? अरे कहाँ रहता है वो? अच्छा वो जिसका बाप हमारा नौकरी करता है, हमारे जूते साफ करता है। अरे मेरे बाबू किसी और को पसंद कर लेती पूरा शहर उठवा देता मैं तेरे लिए, और तूने पसंद किया भी तो वो कैसे समझाऊं मैं तुझे? अरे हमारे जूते साफ करते हैं वो, हमारे जूते साफ, और तूने उस लड़के को पसंद किया जो हमारे घर में नौकरी करता है। ये कुछ भी करना पड़ेगा, जा मेरी बहन तू आराम कर, उसके बारे में सोचता हूँ करना क्या है। इसलिए बुलाया है कि तुम्हें इस गांव में कोई नहीं जानता, ठीक? और तुम उस लड़की का अपहरण करो। बाकी काम मेरा हो जाओ, तुम्हें मुंह मांग की मत दूंगा। पक्का जाओ। अब आएगा मजा, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रणवीर सिंह के यहाँ पे कैद है। अरे चार कुत्ते, देख ले वो शेर आएगा तुझे
शेर आएगा ना, जब तक तो तू मेरी दुल्हन बनी होगी, दुल्हन। आओ बहना आओ आओ, देख ये उसी नालायक के माँ बाप है, ये देख बहना, यही है ना वो लड़की जिसकी वजह से तेरी आंखों में आंसू आए, ले आज इससे अपनी आंखों की एक एक आंसू का बदला ले। बोल कलमू ही, उस दिन तू मुझे धक्के मार के निकाल दी, देख आज मैं तेरे ही आशिक से कैसे शादी रख चाहती हूँ, अगर मैंने सिर्फ जिंदे में शादी करी तो उसकी लाश से शादी करूंगी। तेरे लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ, खोल इसे, हाथ खोल मेरे, ना ही फाड़ के सुखा दू बीच में से, यू करेगी शादी। देख भाई देख, देख ना मछली कैसे बन गई, भी फड़फड़ा रही है, इसकी अंकड़ निकली नहीं है अभी तक। ऐसे तड़प रही है जैसे बगैर पानी के मछली। बेटा वासु, शायद तेरे माँ बाप नहीं जानते कि ये हमारा और वासु कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? एकदम मजे में। अरे बेटा तुम इन लोगों के साथ जब मुझे पता होता कि बेटा तू ऐसा निकलेगा तो तुझे पैदा होकर मार डालती। बस बुढ़िया, अगर मैं ना होता तो तेरा बेटा आज जहां ना खड़ा होता जहां पे आज उसकी खड़े होने की हैसियत है, समझी? ये बात तो है भाई रणवीर सिंह, अगर तूने मेरा साथ ना दिया होता तो आज मैं पढ़ लिख कर भी कहीं सड़क पर भीख मांग रहा हूँ। अरे तेरा भाई जिसका साथ देता है ना तो दिल से देता है। देख देख इसे किस तरह फड़फड़ा रही है ये। अरे बा रणवीर, तेरे से बेकार आदमी मैंने नहीं देखा, लो तू मैंने 10 बेर पीट लिया 10 बेर, अरे तुझे क्या जरूरत है सांग जोड़ने की? बेटा बेटा भी कम रुक जाओ, अभी मारूं तो मैं भी तू जिम्मेदार है उसका? अरे तू मरना चाह रहा के? मैंने तो हाथ हटा, सुनता क्यों ना है मेरी? मैंने हाथ हटा, मुंह से बात कर ले, कितनी हाथ ना लगाइए ना धरती दिखा दो, मिनट लगेगी एक। अरे परसों भी तो दिखाई थी धरती मुझे, कदे फेर के रैप लगती मजे भी देख, समझ गया? अरे तेरी, अरे पिताजी तो लॉर्ड साहब भी यहीं खड़ा है। तुम इसने ना छुटवाए के, मैंने थार था पहले की अरे का मैं आऊंगा यूं आने का। अरे पकड़ के, अरे सुनो अरे सुनो अरे सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं अपने घर की बात कर रहा था, लड़ेंगे आराम से। ओए सही है तू, यहाँ बढ़ जा, रुक जा यार 2 मिनट, हाँ तो मैंने कह दिया कि खा ले तो मत बिगाड़ो इसे, ये घी बिल्कुल तो डांट था आपको बात जा, घी बनवा दिया तुम लोग आज क्या अनवाणी बोल रही थी। हाँ मेरे हीरो, तेरे तो अंदाज ही अलग है, बोला था ना मैंने जब वो आएगा सबकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। हाँ भाई ये करना नहीं क्या अलग आंसू, इन कुत्तों ने चाय भी ना पिलाई आते बांध दिया मुझे। अरे रुकी रे, कदी बनवाऊं तुझे भी चाय। अरे लइए बना के सीने चाय रे। आंसू भाई है मेरा, मैं तेरे साथ बिजनेस के लिए जुड़ा था, अपने परिवार को खत्म करने के लिए। मत, कैसे?
क्या हो गया मेरे हाथों से? आरती भैया, मुझसे एक वादा करो। तू जो भी वादा कहेगी मैं वो करूंगा। अब आज के बाद कभी गुंडागर्दी का काम नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। आरती, मुझे माफ कर देना भाई। ना आरती, चाहे तो तू आंसू ले ले, पर छोड़ के मत जा। मैं तुम्हारी लाइफ में खामों खामा आ गई थी। अपना हाथ दो आशु, मुझे आशु का ध्यान रखना। आरती, उसे बहुत प्यार करना। आरती आ!